हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल टेक इन्फॉर्मेटिव में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में यूट्यूब से लोग कितने पैसे कमाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो भी इसमें जानकारी दे रहा हूं, दोस्तों मेरे ऑलरेडी दो चैनल मोनेटाइज हैं और इन चैनल के अनुभव से जो मुझे मिला है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप उससे बाकी की अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा जो दो चैनल है उनमें से एक चैनल जो है बेसिकली वो एजुकेशन रिलेटेड चैनल है दोस्तों, और उसमें 1,00,000 सब्सक्राइबर भी पास कर चुका है। और ये अवार्ड जो है दोस्तों वो यूट्यूब के तरफ से हमको मिला है। देख सकते हैं मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है, एजुकेशन चैनल, उनका नाम है प्यूप्लेट, ठीक है। तो उस अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। तो मैं जो भी आपको अनुभव मिला है अपने इन चैनल से दोस्तों, मैं वही शेयर करूंगा। एक है मेरा टेक चैनल और दूसरा है एजुकेशन चैनल। दोनों चैनल का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे आपको एक अनुमान पता चल जाएगा कि YouTube से अर्निंग के बारे में, कि YouTube से अर्निंग होता कैसे है और कैसे, मतलब कितना पैसा कमा सकते हैं YouTube से, ठीक है। यही है टॉपिक है बेसिकली दोस्तों। आप सभी को एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप में से जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में और YouTube रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक का ही नाम रखा है कि भारत में यूट्यूब से लोग कितने पैसे कमाते हैं, और उसमें व्यूज के साथ मैंने पैसा भी बताया है। बेसिकली ये डिफरेंट हो सकता है, कारण मैं बता दे रहा हूं। हर चैनल का, जो टेक चैनल और एजुकेशन चैनल, इन दो चैनल्स का जो अनुभव है दोस्तों, हर दोनों चैनल का जो आरपीएम होता है दोस्तों वो बेसिकली डिफरेंट होता है। जिसमें हाई आरपीएम होगा उसमें ज्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से एजुकेशन से मेरा जो टेक चैनल है इसमें ज्यादा अर्निंग होती है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए यूट्यूब अर्निंग, तो यूट्यूब अर्निंग जो है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो यूट्यूब अर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्यूज, यानी जितना ज्यादा व्यूज होगा आपके वीडियोस में उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, यही है फंडा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर लाइक के कितने ये होगा पैसा मिलेगा सब्सक्राइबर के, बेसिकली हम भी बताते हूं कि लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। रीजन ये है ना दोस्तों कि लाइक करने से क्या होता है, आपके वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। एंगेजमेंट बढ़ेगा तो क्या होता है, एंगेजमेंट जैसे बढ़ता है तो वो वीडियो और ज्यादा लोगों तक सजेस्ट किया जाता है यूट्यूब की तरफ से। इससे क्या होता है, आपके वीडियोज में और व्यूज आने की पॉसिबिलिटीज बनती है, एक संभावना बनता है, ठीक है। और उस संभावना में अगर यदि व्यूज आने लगा तो क्या होगा, फाइनली आपका क्या बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ने लगेगा, ठीक है। ज्यादा व्यूज ज्यादा अर्निंग। रीजन क्या है कि हर वीडियोस में देखे होंगे दोस्तों कि आपका जो वीडियो प्ले करते हैं उस बीच क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड आता है, इसको वॉच पेज एड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस एड से जो रेवेन्यू बनता है वो रेवेन्यू ही बेसिकली क्रिएटर को मिलता है, यानी यूट्यूबर्स को मिलता है, ठीक है। और इसी का पैसा मिलता है, ठीक है। बहुत लोग को मैं पहले बता देना चाहता हूं कि बहुत लोग बोलता है कि मैं नया चैनल खोला हूं सर, मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मेरा 200 व्यूज अर्निंग। तो बेसिकली दोस्तों एक चीज समझ लीजिए कि यूट्यूब में अर्निंग का एक मतलब एक क्राइटेरिया है। जैसे अगर आप नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी में क्या होता है कि एक कंपिटिशन आपका एग्जाम होता है, उसको पास करना होता है। आप कंपिटिशन एग्जाम को क्रैक करते हैं, पास करते हैं, फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, यानी आपका नियुक्ति मिल जाता है। तो इसी प्रकार YouTube में भी अगर आप कमाना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करना होता है। बेसिकली इसी को कहा जाता है मोनेटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसी को कहा जाता है मोनेटाइजेशन, यानी मोनेटाइजेशन जैसे ही कंप्लीट करते हैं, मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, 1,000 सब्सक्राइबर सबसे पहले आपको लाना पड़ेगा अपने चैनल पर, और साथ ही 4,000 घंटा जो है ना वॉच टाइम आपको लाना पड़ेगा अपने चैनल पर, तभी जाकर आपका चैनल लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हैं। हालांकि अभी मोनेटाइजेशन का, हाफ मोनेटाइजेशन का भी प्रोसेस आया, उसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बट ये होता है लॉन्ग वीडियोस, और ज्यादा अर्निंग अगर करना चाहते हैं तो सारा रेवेन्यू सेक्शन इसी से खुलता है दोस्तों। 1,000 सब्सक्राइबर के साथ 4,000 घंटे का वॉच टाइम लास्ट 365 दिन में होना चाहिए, यानी लास्ट 365 कहने का मतलब ये है नहीं है कि दोस्तों 365 दिन में नहीं हुआ तो
क्या होगा, 365 में नहीं हुआ तो पहले वाला जो दिन था जो आप काउंट किए थे वो माइनस होगा, यानी उस दिन अगर आपके वीडियो से व्यूज से अगर 2 घंटा आया था तो वो 2 घंटा माइनस हो जाएगा दोस्तों। अगला फिर अगले दिन से अगले चैनल की शुरुआत करेगा, वो लास्ट 365 कहने का मतलब है अगर 1 तारीख से 1 तारीख के बीच नहीं हुआ तो उस 1 तारीख को माइनस करेगा, फिर 2 से 2 काउंट करेगा, ठीक है। तो इस बीच आपका 4000 घंटा कंप्लीट होना हो जाएगा। तो मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब खुद ही आपको मेल करेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें आवेदन करना पड़ेगा। अप्लाई करने के अप्लाई जब करेंगे तो उसमें कुछ डिटेल्स भी मांगा जाएगा, एड्रेस मांगा जाएगा और पैन कार्ड भी उसमें मांगा जाता है दोस्तों। बेसिकली पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ये चीजें डाला जाता है, आपको स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ता है। तो ये सारा चीज कंप्लीट करेंगे, फिर एक आपको जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पर एक पिन भेजता है, वेरीफाई पिन, गूगल एडसेंस पिन जिसको कहते हैं, वो पिन आएगा। उस पिन को आप जब से ही वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे उसमें बेसिकली कोड होता है, उसको वेरीफाई करेंगे तो वो समझ जाता है कि आपको मतलब जो अप्लाई किया है वो सही आदमी है। फिर क्या होता है, आपका जो अर्निंग सेक्शन है, मतलब अर्निंग सेक्शन तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करते ही वो खुल जाएगा अप्रूव होते ही, बाकी उससे क्या होगा आपका बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं जब एडसेंस को वेरीफाई करेंगे, तो बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे तो फिर आपका पैसा जो है मंथली वो आता है। बेसिकली अगर देखेंगे हर महीने आपका $100 अगर आपके चैनल पर हो जा रहा है रेवेन्यू सेक्शंस में, तो दोस्तों ये 21 तारीख को, हर महीने के 21 तारीख को मेल आता है और 22 और 23 मुश्किल से 22 23 को अगर बैंक ओपन होता है तो वो क्या हो आपका अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। $100 से जितना ज्यादा लाएंगे, $100 है तो भी आ जाएगा, 100 से नीचे होगा तो नहीं आएगा दोस्तों, ये मतलब नियम है। $100 से नीचे नहीं, $100 से जितना ज्यादा आएगा वो दे देगा आपको 100 से जितना ज्यादा, मतलब 100 से 102 102 डॉलर मिल जाएगा, $100 है तो भी मिल जाएगा, ठीक है। बट ये होना चाहिए दोस्तों, नहीं होता है तो जब अगला महीना फिर हो जाएगा तो एड करके एक ही साथ दे देता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अर्निंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 500 व्यूज, मैं जानबूझ के इसको लिखा हूं क्यों, क्योंकि छोटे क्रिएटर के क्या होता है कि व्यूज कम आता है और उतने में ही उसको लगता है कितना पैसा मिलेगा हमको। तो बहुत अगर देखेंगे दोस्तों तो YouTube एड से जो अर्निंग होती है वो बहुत कम अर्निंग होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके अलावा आपको अर्निंग के सोर्स और खुल जाएंगे जब आपका चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि आपको बहुत सारा कंपनी की तरफ से ऑफर मिलेगा, स्पॉन्सर मिलेगा कि आप मेरा ऐड करिए, मेरा इसके बजाय आपको जो चार्जेस लगेगा दिया जाएगा, तो वो अच्छा खासा वहां से अर्निंग होती है। ये एक प्राइमरी मतलब अर्निंग है, बट अगर अच्छा व्यूज आ रहा है तो इससे भी आप अच्छा लाखों में अर्निंग करते हैं लोग, ठीक है। 500 व्यूज की जो पैसा मिलता है दोस्तों वो 20 रुपया, और ये मैं बता रहा हूँ टेक चैनल के हिसाब से। एजुकेशन चैनल में थोड़ा कम होता है दोस्तों, तो वहां पे आपको और 5 रुपया कम मिलेगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1000 व्यूज की अगर देखेंगे, 1000 व्यूज आ रहे हैं आपके चैनल पर, तो 35 से 40 रुपया मिलेगा दोस्तों। ये टेक चैनल के आरपीएम के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ लोगों का कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहां पे आरपीएम हाई होती है वहां पे ज्यादा अर्निंग होती है, ब्लॉग चैनल में अर्निंग थोड़ा कम होता है दोस्तों, एजुकेशन चैनल में भी देखेंगे तो आरपीएम कम होता है और उससे क्या होता है आपका अर्निंग भी कम होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इससे कम मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है, मिलता है दोस्तों, डेफिनेटली बहुत से ऐसे चैनल है जहां पे पैसा कम मिलता है। रीजन है वो चैनल के कैटेगरीज के ऊपर, वीडियो आप कैसे बना रहे हैं, कई सारा होता है कि वीडियो 2 मिनट का बना रहे हैं तो 2 मिनट का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा एड ज्यादा नहीं आएगा, बट जैसे 10 मिनट का वीडियो हो गया तो उसमें मल्टीपल एड्स आता है, यानी आप देखे होंगे कि वीडियो शुरू करने से पहले एक एड आता है, 3 से 4 मिनट के बीच एक और एड आता है और लास्ट में फिर देखेंगे एक और एड आएगा, तो इससे क्या होगा 3 एड चलेगा, मल्टीपल एड्स, तो इससे ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा लंबा वीडियोस तो ज्यादा अर्निंग होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2000 व्यूज अगर आ रहे हैं आपके वीडियोस पर तो $1 या 80 रुपए, देखिए दोस्तों ये डिपेंड करता है ना, अभी इंडियन करेंसी में अगर देखेंगे तो $1 का प्राइस 80 से 82 रुपए के आसपास है, ठीक है। ये इंडियन करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ दिन पहले 75 था 65 था, आज के समय देखेंगे तो $1 मतलब 80 82 रुपए आपको आसानी से मिल जाता है, जो कि 2000 व्यूज में मिलेगा, ठीक है। 5000 व्यूज के कितने पैसे मिलेंगे, देखिए 5000 में 120 रुपया दोस्तों, सिंपल सा बात है। 10000 व्यूज आ रहा है तो 250 से 300 रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ उस व्यूज से मिल जाएगा, यानी एक वीडियो में अगर आपका 10000 आ गया तो 250 से 300 रुपए आपका आसानी से बन जाता है। और ये नॉर्मली होता है दोस्तों, जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे कि वीडियो डालते ही 2-4 घंटा 5 घंटा में आपका 10000 व्यूज आ जाता है, यानी 250 से 300 सिर्फ एक वीडियो से अर्निंग हो रही है। इसके अलावा जो वीडियो पुराना वीडियो चल रहा है जिसमें आप देखेंगे हर घंटे में कुछ व्यूज दे रहा है, तो उन सारे वीडियो से पैसा बनता है,
ठीक है, अल्टीमेट इसी हिसाब से आपको जुड़ के $100 क्रॉस कर जाता है, पैसा मिलता है। ठीक है, फिर देखिए 50,000 व्यूज, तो 50,000 में दोस्तों 3,500 से लेकर 3,500 के बीच आपको पैसा मिलता है। 1,100 के जिसको लिखा हूं, यानी 1,00,000 जब आपका व्यूज आएगा तो 6,500 से 7,000 के आसपास दोस्तों आपको पैसा मिलेगा उस वीडियो का। 500 के मतलब 5,00,000 व्यूज, तो 5,00,000 जब व्यूज आएगा कोई वीडियोस में तो जो पैसा मिलेगा दोस्तों यानी 20,000 से लेकर 25,000। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो बड़े क्रिएटर हैं, चाहे आप सौरभ जोशी की बात करें, ध्रुव राठी का वीडियो आप में से ज्यादा तो लोग देखे होंगे तो ध्रुव राठी को देखिएगा, या भुवन बाम हो, अमित भड़ाना हो, ऐसे बड़े क्रिएटर जो है दोस्तों, संदीप महेश्वरी, तो ये लोग, इन लोगों का वीडियोस में क्या होता है कि व्यूज जैसे आता है, जैसे अगर देखेंगे 500, यानी उन लोगों के वीडियोस में देखेंगे कि 40 मिनट 45 मिनट में ही आपका देखेंगे 5,00,000 क्रॉस कर गया, यानी 5,00,000 जैसे क्रॉस कर गया तो आप समझ सकते हैं उसकी अर्निंग जो होती है वो 20 से 25 हजार। वो लोग बड़े क्रिएटर है, पुराने क्रिएटर है, उन लोगों का ज्यादा भी हो सकता है, 30,000 40,000 जा सकता है। ठीक है, तो उन लोगों को समझिए कि 40 मिनट में वो 40,000 कमा रहे हैं, तो ये एक तरह से YouTube का पावर है, आप समझिए चीजों को। ठीक है, फिर देखिए 10,00,000 इसी को कहते हैं 1 मिलियन व्यूज। तो 1 मिलियन में क्या होता है, 50 से 55,000 के बीच आपका अर्निंग होगी, और वहीं पे 5 मिलियन में देखेंगे तो 2.5 से 3 लाख। आप देखे होंगे कि ध्रुव राठी का जो वीडियोस होता है, तो ध्रुव राठी का वीडियोस अगर देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि मतलब मिलियंस में व्यूज आते हैं हर वीडियोस में, उसमें मिलियंस में व्यूज देखने को मिलता है। और मिलियंस में व्यूज मतलब समझ सकते हैं, अगर 5 मिलियन में 2.5 से 3 लाख बन सकता है तो उनका एक एक वीडियो जो है 4 मिलियन 5 मिलियन जाता है, यानी पर डे का अगर देख सकते हैं तो अर्निंग आप समझ सकते हैं 2.5 से 3 लाख रुपये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू से। इसके अलावा स्पॉन्सर की बात करें तो वो अलग चार्जेज है दोस्तों, और इससे कहीं ज्यादा पैसा आपको उससे मिलता है। यानी आप समझ सकते हैं एक वीडियो से अगर 2.5 से 3 लाख कमाया जा सकता है, महीने में अगर आप 20 वीडियोस डालें तो 20 वीडियोस में आप समझ सकते हैं कितना पैसा अर्निंग हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू से दोस्तों। तो ये है दोस्तों आज के समय इंडिया में यूट्यूब अर्निंग, जो कि अगर देखेंगे तो लाखों में व्यूज है जिनका चैनल में, वो अच्छा खासा अर्निंग करता है दोस्तों, बजाय एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब और एक अच्छे मतलब गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज्यादा पैसा। और आप देखे होंगे आज के समय जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूबर्स हैं, उनके पास आज के समय अगर हर ब्रांड का मतलब गाड़ी हो, घर हो, द्वार हो, हर चीज है, हर सानो सौकत की सारा सामान देखने को मिलता है। रीजन यही दोस्तों कि यहाँ से अर्निंग जो है वो बहुत बेतहाशा अर्निंग है अगर आप अच्छे बड़े क्रिएटर बन गए हैं तो दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा जो मैं चीजें बता रहा हूँ, वो अपने दोनों चैनल के अनुभव से ही बता रहा हूँ दोस्तों। और इस प्रकार के और भी यूट्यूब रिलेटेड जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल टेक इन्फॉर्मेटिव में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube का एक जो नया अपडेट आया है, खासकर वो मोनेटाइजेशन अपडेट को लेकर। यानी दोस्तों अब जितने भी नए क्रिएटर होंगे, नए जो वीडियो क्रिएटर हैं, उन लोगों के लिए मोनेटाइजेशन का जो रूल्स है उसको थोड़ा आसान कर दिया गया। यानी आप अब कम से कम मतलब जो अचीवमेंट है उसको लेते हुए भी एक मोनेटाइजेशन को चालू कर सकते हैं और अपने चैनल पर अर्निंग कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड सारा जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग नए हमारे इस चैनल में दोस्तों, चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लगातार इस प्रकार के वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहूं। तो आइए दोस्तों हम लोग व्हाइट बोर्ड में इसको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू अपडेट क्या है और उस न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट में आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कौन कौन से ऐसे अर्निंग के सोर्स खुलेंगे जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहले और अभी भी, यानी ये जो है दोस्तों आज भी है और आज भी ये चल रहा है। ठीक है, खासकर लॉन्ग वीडियोस में, इस बात को ध्यान रखिएगा, लॉन्ग वीडियोस में चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या चाहिए, 1,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर होना ही चाहिए और साथ ही 4,000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम। यानी कहने का दोस्तों मतलब है कि 4,000 घंटे का वॉच टाइम, जैसे अगर आप वीडियोस बनाए, हम वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, आपका 5 मिनट का वीडियोस है, मैं उसमें 3 मिनट देखा उस वीडियो, तो वो 3 मिनट काउंट होगा। तो ऐसे ही जितने ज्यादा लोग देखेंगे उसका टाइम काउंट होता है और ये कुल मिलाकर 4,000 घंटा होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है कि लास्ट 365 डेज में, यानी दोस्तों 365 दिन में, लास्ट 365, ठीक है,
याद रखिएगा, लास्ट 365 कहने का मतलब है अगर आप 1 जनवरी से वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, तो 365 यानी लास्ट 1 जनवरी फिर जब आएगा तो उस बीच जो 365 डेज हो रहा है उसके बीच ही आपका 4000 घंटा वॉच टाइम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे 1 जनवरी की जो आप वीडियोस डाले उसमें जितना भी घंटा लोग देखा वो माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी फिर 2 तारीख से ये काउंट होने की शुरुआत हो जाएगा 2 जनवरी, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर 365 दिन में अगर चैनल मोनेटाइज नहीं हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो इधर का जो घंटा यानी वो लास्ट 365 गिनेगा, इधर जितना पहले हुआ है नहीं हुआ उसको माइनस करते जाएगा, 2 तारीख से फिर गिने लगेगा, 2 तारीख में भी नहीं हुआ तो 3 से अगला 3 के बीच गिनेगा, ये नहीं चलते रहता है, ठीक है। ये होना चाहिए लास्ट 365 दिन में लॉन्ग वीडियोस। इसमें अगर मोनेटाइजेशन होता है तो इसमें सारे आपका क्राइटेरिया, सारा प्रोसेस, अर्निंग के सोर्स खुल जाते हैं, यानी जो लॉन्ग वॉच पेज एड्स जो होता है जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग भी होता है वो खुल जाएगा, इसमें अच्छे अच्छे एडवर्टाइज भी मिलेंगे, बाकी सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स, फैन फंडिंग, सारा चीज इसमें खुल जाता है। ये लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से होगा। और शॉर्ट्स में अगर देखेंगे तो शॉर्ट्स में क्या है मोनेटाइजेशन का, 1000 सब्सक्राइबर जो अभी भी है ये होना चाहिए, और साथ ही 10 मिलियन व्यूज होना चाहिए आपके शॉर्ट्स फीड से, ठीक है, जो कि लास्ट 90 डेज देखा जाता है, यानी 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में आपका शॉर्ट फीड से 10 मिलियन व्यूज आपके आना चाहिए, तभी जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होता है शॉर्ट्स के भी जरिए, ठीक है। ये हो गया पहले, अब देखते हैं न्यू मोनेटाइजेशन को लेकर। न्यू मोनेटाइजेशन में जो अपडेट आया है दोस्तों इसमें क्या क्या मिलेगा ये भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि न्यू मोनेटाइजेशन का जो है दोस्तों वो 500 सब्सक्राइबर में, यानी पहले जो 1000 सब्सक्राइबर था ये अब 500 सब्सक्राइबर में आप मोनेटाइज होगा और आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो देखिए 500 सब्सक्राइबर के साथ आपका 3 वैलिड पब्लिक वीडियोस होना चाहिए, यानी जो भी आपका चैनल है दोस्तों उसमें 500 सब्सक्राइबर के साथ 3 वो वैलिड पब्लिक वीडियोस, सिर्फ 3 वीडियो लास्ट कितने दिनों में, लास्ट 90 डेज में, याद रखिएगा लास्ट 90 डेज में होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 3 महीना में अगर देखेंगे तो 3 वीडियोस और साथ ही 3000 घंटा, देखिए ये चीज कम नहीं किया है, अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1000 घंटा ही इसमें घटाया, बट 3 वीडियो से अगर अच्छा व्यूज आ जा रहा है तो 3000 घंटा पूरा हो जाएगा आसानी से, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर के साथ 3 पब्लिक वैलिड वीडियो जो है वो है लॉन्ग के लिए, मैं बता दूं एक बार ये लॉन्ग वीडियोज के लिए है, ठीक है। और शॉर्ट में देखेंगे तो ये हाफ मोनेटाइजेशन एक तरह से है, जिसमें से आपका क्या होना चाहिए लास्ट 90 डेज में दोस्तों 3 मिलियन व्यूज आना चाहिए शॉर्ट स्पीड से, 500 सब्सक्राइबर आपका आना चाहिए। ये अगर होता है दोस्तों, ठीक है, ये लॉन्ग वीडियोस में ये हो जाता है और शॉर्ट्स में ये, दोनों में से कोई एक फुलफिल करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मोनेटाइजेशन के तहत आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो आपको मिलेगा सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं ये भी बता रहा हूं, देखिए सुपर थैंक्स अगर ये आपको खुलता है दोस्तों तो इसमें होता क्या है मैं बता रहा हूं कि इसमें जैसे आपका वीडियो कोई देख रहा है, ठीक है, जैसे मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा तो लोग खुशी से जिस तरह से एक सुपर डोनेशन एक तरह से होता है कि खुशी से मैं 50 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, 40 रुपया दे दिया, तो वो हो गया सुपर थैंक्स। तो वो डिपेंड करता है कि लोगों के अपनी इच्छा पे, ठीक है। हालांकि अगर देखेंगे तो बहुत लोग बहुत अच्छा वीडियोस होता है तो देता है, मुझे भी मिला है कई सारा सुपर थैंक्स, ठीक है, ये एक ऑप्शन खुलेगा। दूसरा जो है वो है फैन फंडिंग, ठीक है, यानी इसमें भी आप अगर आपको फंडिंग कर सकता है फैन फॉलोइंग से, मेंबरशिप एक खुलेगा, ठीक है। यानी दोस्तों मेंबरशिप कहने का मतलब है कि जैसे आपका चैनल है और आपके चैनल का आप मेंबरशिप अगर ऑन करते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि बहुत से ऐसे ऑडियंस होगा कि आपका मेंबरशिप ज्वाइन करेगा। लोग नॉर्मली मेंबरशिप का जो चार्जेज रखता है वो अपने अपने हिसाब से लोग रखते हैं, कुछ लोग 49 रखते हैं, कुछ लोग 59 रखते हैं, कुछ लोग 199 रखते हैं, बड़े चैनल वाला हजारों में रखते हैं। तो अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं किसी भी चैनल का तो इसके एवज में क्या होगा कि आप सीधे क्रिएटर से जरूरत के समय बात भी कर सकते हैं और भी कई सारे मेंबरशिप में बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आप सीधे क्रिएटर से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ये अगर मेंबरशिप लेना पड़ेगा तभी जाके मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सुपर चैट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सुपर चैट ये भी है एक जरिया। तो ये सारा कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे, ठीक है, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, बट मैं बता दे रहा हूं रियलिटी न्यू मोनेटाइजेशन का जो अपडेट है दोस्तों इसमें आपको एक लिमिटेड अर्निंग ही होगा,
ठीक है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुपर थैंक्स में कोई वीडियो पसंद आ जाए तो पैसा देगा ही देगा, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, व्यूज आने के बाद हजारों व्यूज आ गया, अगर किसी को पसंद हुआ तो दिया सुपर थैंक्स, नहीं दिया तो फिर आप कोई ये नहीं है। बट अगर लॉन्ग वीडियो के जरिए अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वैसे स्थिति में क्या है कि वीडियोज में व्यूज आएगा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होगा ही। रीजन, लॉन्ग वीडियोज में वॉच पेज एड्स के जरिए जो एडवर्टाइज आते हैं, चैनल पे देखते होंगे कि जो एड्स आते हैं उसका आपको रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा। बट ये न्यू मोनेटाइजेशन है, फिर भी बहुत लोगों को इसमें, बहुत शॉर्ट्स वाले को खासकर बेनिफिट मिल जाता है। तो ये है न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट, जो कि है अब 1000 के जगह 500 सब्सक्राइबर में भी मतलब आपका एक हाफ मोनेटाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है एज इट इज ये लॉन्ग ही है दोस्तों, ये आज भी वही है और ये रहेगा। यानी अगर पूरी तरह से आप सारा मोनेटाइजेशन का यूज बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको फिर वही यहां पे आना पड़ेगा। यानी 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 घंटे का जो पब्लिक वॉच आवर है लास्ट 365 दिन में कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आप मोनेटाइजेशन के सारे जो प्रोसेस है यानी सारी चीज आपके लिए खुल जाएगा एज इट इज। बाकी जितने लोग अर्निंग करते हैं वो आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।